हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण कृष्ण पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमाल भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण शरद में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भगवान कृष्ण इंद्र की पूजा बंद करवाए, बोले पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना। अभी यहाँ प्रश्न होता है तो उन्होंने गिरिराज पूजा उन्होंने क्यों करवाई, इंद्र पूजा को क्यों बंद करा, इसके पीछे हमारे संत लोग चार कारण बताते हैं। पहला कारण है जगत में 33 करोड़ देवता है, आप कितने को संतुष्ट करोगे, एक को मनाओ दूसरा मुंह खुला कर बैठ जाएगा, दूसरा को मनाओ तीसरा मुंह खुला करके बैठ जाएगा, तीसरा को मनाओ चौथा मुंह खुला करके बैठ जाएगा। अभी तो 33 करोड़ देवता है, अब कितने को पूजा करोगे, कितने को मनाओगे। लेकिन श्री कृष्ण कृष्ण ही ये गिरिराज है, अगर भगवान कृष्ण को कोई पूजा कर लिया तो बोले श्री गिरिराज की कोई पूजा कर लिया तो कहते हैं ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब, जिसको ऊपर में बाके भी हरि की कृपा हो जाए उसको ऊपर में सभी की कृपा हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने किसकी पूजा बंद करवाए, बोले इंद्र की। बोले इंद्र कौन है, बोले स्वर्ग के राजा, समस्त देवताओं को जो राजा है उनकी भी पूजा बंद करवाए। बोले पूजा कर तो किसको पूजा कर, श्री बांके बिहारी की गिरिराज महाराज की। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। पहला शिक्षा है बहु देवा देवियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरा कारण है अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी है कौन, बोले ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं, बोले जिनकी एक चरण धूल को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, ये संपूर्ण रूप में सत्व रज तम ये तीन गुण से ये अतीत है। लेकिन ये तीन गुण से अतीत व्यक्ति इंद्र कौन है, बोले ये सत्व गुण के हैं, साधारण एक गुण का राजा है। अभी एक निर्गुण व्यक्ति एक सगुण व्यक्ति को पूजा करेंगे, भैया ऐसे नहीं होनी चाहिए। बोले इंद्र कौन बनता है, बोले जो व्यक्ति 100 अश्वमेध करेगा वही इंद्र बनता है, लेकिन करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने पर भी ब्रज का एक धूल को भी कोई प्राप्त नहीं कर सकते, ये ब्रज धूल की इतने महिमा। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं इन्होंने ब्रज धूल को ग्रहण किया, ब्रज में मिट्टी खाए ना ठाकुर जी, मिट्टी खा करके मैया को उन्होंने अनंत कर्ण विश्व ब्रह्मांड दिखाया, बोले माँ ये अनंत कर्ण विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, ये विश्व ब्रह्मांड ब्रज धूल के लिए प्रार्थना करते हैं। उद्धव जब ब्रज में आए उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा को देखा, उन्होंने भी यही प्रार्थना किया
क्या मेरे कभी ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज में लता पता औषधि वृक्ष में जन्म रूप ले सकता हूँ, क्योंकि ब्रजवासियों का चरण धूल हमें मिले। इसलिए कृष्ण यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, पूजा करना तो श्री भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। अभी कृष्ण की इच्छा है कि जो ब्रजवासी लोग है सबके सब भगवान की प्रकाश है। राधा रानी अपनी सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए अनंत गोपी रूप में प्रकट हुई है। कृष्ण भी अनंत रूप धारण किए अपना लीला करने के लिए कृष्ण की इच्छा है। मैं चाहता हूँ इन लोगों को साथ में सात दिन तक इनको साथ में मैं लीला करूँ। बोले कैसे हो सकता है? बोले मैं जब गिरिराज धारण करूंगा सारे ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, फिर तो इनको साथ में मैं सात दिन तक रह करके मैं लीला कर सकता हूँ। बोले ये एक कारण है। बोले और एक कारण बताए, अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं रास लीला करूंगा, लेकिन अकेले तो रास कर ही नहीं सकता हूँ जब तक ये ब्रज गोपियां नहीं हो। कृष्ण सोच रहे हैं अभी ये ब्रज गोपियों को मेरे तरफ में कैसे आकर्षण करूं। आप लोग सिनेमा देखे होंगे, एक हीरो क्या करता है, कुछ लोगों को इकट्ठा करता है गुंडों को, और एक हीरोइन को सामने ही उसको साथ में खूब मारपीट करेगा, मारपीट करके ये सारे गुंडों को भगा देगा। वो हीरोइन देखेगा बाबा एक बड़ा बलवान है, फिर क्या होगा, वो हीरोइन अपने आप उसको पर आसक्त हो जाता है। ब्रज का हीरो कौन है? अरे बोलो ब्रज का हीरो कौन है? भगवान कन्हैया। हीरोइन कौन है? राधा रानी गोपियां। इसलिए कृष्ण ने उनने दो लीला की, प्रभु की रास लीला कैसे कर सकते ठाकुर जी, इसके लिए दो लीला की। बोले एक लीला क्या की, इन्होंने कालियों के सर के ऊपर ठाकुर जी नृत्य किया। भगवान ने दिखाया, देखो रस्सी के ऊपर किसको नाचते हुए देखे होंगे, किसको सर के ऊपर में कलसी रख करके कोई नाचता है, तलवार के ऊपर में कोई नाचता है, लेकिन कभी आप लोगों ने देखा सांप के सर के ऊपर किसको नाचते हुए देखा क्या? कहते कालियों की सौ फण था। ठाकुर जी जब कालियों को सर के ऊपर नृत्य कर रहे थे, वो कालियों एक साथ में ठाकुर को काटना चाह रहा था, लेकिन कृष्ण ने एक फण से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इतने तीव्र गति से कृष्ण नृत्य कर रहे थे, बस वहां पर स्वर्ग के समस्त 33 करोड़ देवता वाद्य यंत्र को लेकर के आ गए, और भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और समस्त देवता वाद्य बजा रहे हैं। बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 पम 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 पद पद गद पम 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 तन बहु पर पम 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 पद पद बेग 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 विनती करत, बेग 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 विनती करत, नाग भगवाने हरि गंगम जम विनती करत, नाग भगवाने तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, असन सन 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 कांति गगन गन गन गंधर्व गति, सन 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 कांति गगन गन गन नारद मुनि, नाम 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 नारद मुनि, नाम 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 नारद मुनि, साब वेद काली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी, प्रसिद्ध काली कथा।
शंकर जी पहले सोचते थे, शंकर जी का एक नाम है नटराज, क्योंकि जितने नाचने वालों में शंकर भी अग्रगण्य है। शंकर जी को बड़ा अभिमान था, अरे मेरा नाम नटराज है। लेकिन कृष्ण ने कहा, देखो सांप के सर के ऊपर कभी कोई नृत्य किया है? इसलिए शंकर जी कन्या का नृत्य देख कर कहते हैं, बम बम बलिहारी, प्रभु आपकी जय जयकार हो। बोले कृष्ण कन्या लाल की। बोले पहले मेरा अभिमान था, सबसे सुंदर नाचने वाला मैं हूँ, लेकिन प्रभु आपकी नृत्य देख कर मैं हार गया हूँ, इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ गया नटवर। क्या नाम पड़ा? नटवर मतलब क्या? नट मतलब शंकर जी, वर मतलब शंकर जी का भी जो पति है। आप बोलोगे शंकर जी की पति कृष्ण कैसे हुए? अभी हम आगे सुनेंगे। जब ठाकुर की रास लीला की, शंकर जी गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन के लिए आए थे। आप बताओ गोपियों का पति कौन है? गोपियों का पति कौन है? कन्या है। तो कृष्ण नटवर हुए कि नहीं? शंकर जी का पति हुए कि नहीं? बोले श्री नटवर भगवान की। इसलिए ठाकुर जी जब कालियों को सर पर नृत्य की, इसको देख करके गोपियां तो एकदम तन मन सब कुछ श्री कृष्ण के चरण में समर्पण कर दिया है। और दूसरा लीला किया कि इन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन उठाया। कृष्ण 7 साल का बालक और 7 दिन तक, और ये 7 क्रोश गिरिराज को उठाया। गोपियों ने देख देख करके बोले, बाबा रे बड़ा बलवान है गिरिराज। गए हो तुम लोगों ने? कौन कौन गए गिरिराज? जिसको परिक्रमा करने के लिए 8-10 घंटा लग जाते हैं केवल घूमने के लिए। लेकिन ठाकुर जी क्या किया, इतने बड़े गिरिराज को उन्होंने कनिष्ठ अंगुल पर धारण कर लिया, जिसको देख करके ब्रज गोपी तन मन सब कुछ ठाकुर जी के चरण में दे दिया। इसलिए भगवान ये गिरिराज को इसीलिए ठाकुर जी उठाए। 1 साल जब बीत गई, इंद्र ने देखा ये ब्रजवासी हर साल मेरी पूजा करते थे, 1 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ बड़े सुंदर पकवान कब मिलेगा, लेकिन अभी तो कोई पूजा पूजा की कोई नाम गंगा तक भी नहीं। एक दूध को भेजे, देख करके आओ ब्रज में क्या हो रहा है। और दूध देख करके देखा, वो इंद्र के लिए जितने पकवान बनाया था ना, बड़े सुंदर सुंदर साग सब्जी देखा। कृष्ण ये सबके सब लेकर के श्री गिरिराज की पूजा करा रहा है। उसने जाकर के इंद्र को शिकायत कर दी। इंद्र तो कृष्ण को गाली देने लग गए, अज्ञानी स्तब्ध बालक निर्बोध तरह तरह का गाली देने लग गए। लेकिन भगवान की अंदर में ये दुर्गुण कहाँ आ सकती है? सुधा सरस्वती ने बड़े सुंदर स्तुति पर को उन्होंने अर्थ कर दी। इंद्र ने संवर्तक में 49 पवन को बुलाया, बोले ब्रज में ऐसे बारिश कर आंधी तूफान आए, ये ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। ए मानो ब्रज में प्रलय आ गई, हाथी के सूंड के जैसे मुसल धारा से बारिश, बड़े बड़े ओले गिरने लग गए, आंधी तूफान आ गए। इतने में सारे ब्रजवासी कृष्ण शरण में गए, प्रभु तेरे बात सुन करके हमने इंद्र पूजा बंद कराए, देखो ये इंद्र क्या कर रहे हैं। कृष्ण बोले कोई चिंता नहीं, हम लोगों ने गिरिराज की पूजा की, गिरिराज हमारे लाज बचाएगा, चलो सारे सामान को लेकर के गिरिराज की तलेटी में चलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा एक छत्री को धारण कर ले, ऐसे ही भगवान कृष्ण कनिष्ठ अंगुल को पर उन्होंने श्री गिरिराज रूप में लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। ये माताएं कोई जयकार नहीं दे रहे, मैं देख रहा हूँ कोई कोई आपस आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे। जोर से बोले गिरिराज की, जो जितने जोर से गिरिराज की जय देगा उसको उतना ही जय होगा। जोर से बोलो, बोले गिरिराज बाबा की जय हो। भैया पता चले रामलीला मैदान में कथा हो रही। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज को उठा लिए, सारे ब्रजवासी आकर के गिरिराज को नीचे आश्रय ग्रहण की।
मैया जसोदा कृष्ण को बारंबार मथन खिला रही थी मेरे लाला को भूख नहीं लग जाए, और मैया जसोदा कृष्ण का हाथ को भी मालिश कर रही थी। इतने में जो सखाओ ने थे सबके सब लठिया ला करके गिरिराज में लटका टिका दिए, बोले कन्हैया तू कब तक गिरिराज उठाओगे, थोड़ा तो विश्राम ले ले। कृष्ण बोले देखा सखाओ तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, क्या मैया का दूध तुमने अकेले दिया, हमने मैया का दूध नहीं पिए, हम भी मैया का दूध पी करके रखे, इसलिए तुम नीचे कर लो हम धारण कर लेंगे। इतने में जब डंडे को टिकाए ना, जब कृष्ण हाथ को नीचे की गिरिराज नीचे आने लग गए, जो डंडा लगा के रखे थे डंडा सब टूटना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं उठेगा, गिरिराज को तू ही धारण कर ले। बोले गिरिराज बाबा की। इतने में सामने राधा रानी आ गई, राधा रानी देखने में इतने सुंदरी, राधा रानी की इतने प्रेम, जो राधा रानी को देखते ही कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं बोले बंसी करान निपतितस खलितम सिकंडम भ्रष्ट च पीतवसनम ब्रजराजसु। इसका मतलब है जब राधा रानी एक तिरछी चितवन से श्री कन्हैया को दर्शन करते हैं, इतने में कृष्ण का बंसुरी गिर जाता है, कृष्ण की मौर मुकुट गिर जाता है, कभी कभी कृष्ण खुद भी कभी कभी गिर जाते हैं। इतने में सामने जब राधा रानी आ गई, कृष्ण राधा रानी को दर्शन करते ही गिरिराज कृष्ण तो डगमगाने लग गए, गिरिराज भी डगमगाने लगी, और उसको नीचे सारे ब्रजवासी। इतने में सखाओं ने कहा कन्हैया तू किधर देख रहे हो, इधर उधर मत देखा कर, राधा जी की तरफ में क्यों देख रहे, उधर मत देखा करो। अभी राधा रानी सामने खड़ी हुई, ब्रजवासियों ने किया कि अपना चदर से श्री राधा रानी का शरीर को ढक दिया, क्योंकि राधा जी को ऊपर में कृष्ण की नजर नहीं पड़ जाए। इसलिए राधा रानी क्या कर रही थी, अपना तिरछी चितवन से, देखो जो बच्चे लोग भाग रहे ना, कल एक बच्चे का हाथ पंख में लग गया, ये बच्चों को सब आप लोग सावधान में रखो, भैया कोई एक पीछे एक व्यक्ति खड़े रहो, ये बच्चों को देखो वो लड़की वहां पर खड़े होकर, आप लोग देखो कोई एक व्यक्ति पीछे, ये बच्चों को खेलने के लिए मना करो, ये बच्चे किसके बच्चे हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्रभु जी आपका काम है किसी बच्चे को खेलने नहीं दे। बोले श्री गिरिराज बाबा की। इतने में श्री राधा रानी गिरिराज गोवर्धन को तरफ में तिरछी चितवन से देख रही थी, बोले गिरिराज गोवर्धन अगर तू नीचे गिरोगे ना तेरे को हम जला करके राख बना देंगे। इसलिए ब्रज में संत लोग कहते हैं कृष्ण कैसे गिरिराज को उठाए, बोले कछो माखन को बल बढ़ो कछो गोपने करी सार, श्री राधा रानी की कृपा से गिरी बल लियो उठाए। राधा रानी की कृपा से कृष्ण ने गिरिराज उठा लिया। हाँ मेरे तरफ में देखो, एक समय महाप्रभु भ्रमण करते करते एक वन में पहुंचे, वहां पर देखा एक मैना और एक तोता में लड़ाई हो रही, तोता ने राधा जी की पक्ष ले लिया और मैना ने राधा रानी की पक्ष ले लिया। इतने में तोता कहता है बोले मेरे कन्हैया तो गिरिराज उठा लिया, मैना कहते चुप रहो गिरिराज उठा लिया, बोले कौन उठाया था, तब मैना कहती है बताओ कृष्ण कौन सा हाथ में उठाए, बोले बाम हाथ से, बोले कौन सा अंगुल से उठाए, बोले बाम अंगुल से, बोले बताओ कृष्ण गिरिराज उठाए कैसे, बोले अपना शक्ति से, बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है, अरे बोलो कृष्ण का शक्ति कौन है, तो गिरिराज किसने उठाया, बोले श्री राधा रानी की। इतने में इंद्र ने तो अपना जी जान लगा दी 7 दिन तक,
ओ ओला गिराए वज्रपात की। 7 दिन को बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा, देख करके आओ ये ब्रजवासियों का स्थिति क्या है। एक दूत ने ऊपर से आए, केवल ऊपर से देख कर गए, इंद्र के पास में जब गए बोले बताओ ब्रजवासियों का क्या स्थिति है। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चींटी तक भी नहीं, हमने देखा सबके सब खत्म। कि वो ऊपर से देख कर गया था, उसने और एक को भेजा भैया तू देख कर गया। उसने नीचे आया, नीचे आकर के देखा ब्रज में तो धूल उड़ रहा है, ब्रज में उत्सव चल रहा था, ए ब्रजवासी आनंद में गा रहे थे। बोले आज भी रज ने होरी रे रसिया, आज भी होरी रे रसिया, oh
ऐसा ब्रजवासी तो आनंद ले रहे। जब उसने वापस गया, इंद्र ने पूछा ये बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब क्या? बोले जिसको तुम बालक समझ रहे, बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंकुल में श्री गिरिराज उठा करके रखे। सारे ब्रजवासी नीचे आनंद धूल उड़ रहा था, वहां तो होली बज रहा था। इंद्र ने देखा ये फिर कौन है, ध्यान लगा करके देखा तो मेरे प्रभु है, जिसने कृपा करके मेरे को वामन अवतार में इंद्र से, इंद्र को उन्होंने बलि महाराज से स्वर्ग राज्य को दिया था। उतना इतना घबरा गया, अपना गुरु जी को पास में गया। गुरु जी बोले मैं नहीं कुछ कर सकता। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी को पास में चलो। ब्रह्मा जी को पास में गया, बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। ये कृष्णा अवतार ऐसे एक अवतार है, उनने किसी की घमंड को नहीं रखा, सभी की घमंड को उनने चकनाचूर किया है। ब्रह्मा भी बोलते हैं मेरे भी घमंड हो गया था, मैंने भी कृष्ण का बछड़ा सखा को चुराया था, मैं तो सोच रहा था कोई साधारण बालक होगा, बाद में देखा ये तो मेरे साक्षात प्रभु है। मैंने कितने नाक रगड़े ठाकुर जी के चरण में, कितने मैंने नाक रगड़े, ठाकुर जी किसी तरह से मेरे को माफ किया। बोले क्या करनी चाहिए? बोले ठाकुर का एक नाम गोपाल है, जो गैया को पालन करते हैं, ये गो माँ है। और कहते ना बोले नमः ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण ब्राह्मण और गैया का देवता भगवान कृष्ण। चलो ये सुरभि गावि की आनुगत्य में जाएंगे, उनकी कृपा होगा तो ठाकुर कृपा करेंगे। तो उन्होंने स्वर्ग के मंदाकिनी की पानी लेकर के, सुरभि की दूध लेकर के आए, ठाकुर जी को अभिशाप, उन्होंने अभिषेक की और ठाकुर जी को एक नया नाम दे दिया, गोविंद नाम दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का इंद्र तेरे अंदर में अभिमान हो गया था, मैं स्वर्ग का राजा है और ये ब्रजवासी मेरे प्रजा है। तुम पता है अगर नंद बाबा कहते बोले कन्हैया मेरे खड़ाऊ लाला ले आ, मैं ठुमक ठुमक करके जाता हूँ, हाथों में नहीं खड़ाऊ का सर पर रख करके ले आता हूँ। नंद बाबा जब कभी पान खाते हैं, मैं स्वयं उसका झुटन कर निकाल कर खाता हूँ। जब नंद बाबा भोजन करते हैं, दोनों गोद में एक तरफ में कन्हैया को और एक तरफ में दाऊ भैया को बैठा करके, पहले एक और तो कन्हैया को खिलाते हैं, एक बार बलदेव प्रभु को एक बार खून खाते हैं। मतलब क्या? ठाकुर जी जिनकी झूठा खाते हैं, अभी विश्व ब्रह्मांड में भगवान को बांध पाए, कल सुन रहे थे ना, विश्व ब्रह्मांड को माया को द्वारा बांध करके रखे, लेकिन मैया जसोदा उथल में बांध। मैया ने कहा लाला तेने मक्खन खाई, कृष्ण डर जाते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं? बोले मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, भोर भयो गई अन को पाचे मागु बनमो हे प्रसायो, सुन मैया मोरी। इसलिए भगवान मैया से डर जाते हैं। बोले मैया मैंने मगर नहीं खाई, मेरे को मारना नहीं, कृष्ण मिट्टी खा लिए। मैया ने पूछे लाला तेने मिट्टी खाई? कृष्ण झूठ बोल दे, बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सखा लोग कह रहे हैं तुमने क्या मिट्टी खाई? बोले मैया तू बड़ी गोरी भारी हो, तुम जल्दी इनकी बात में आ जाती। बोले आज कहा भयो तेरे को पता है? बोले कहा भयो? बोले ये सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ चोरी चोरी करके लाते, मैया तेरे को पता मैं कभी चोरी का चीज खाता है नहीं। भैया बोले अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता? बोले मैंने खाया नहीं, उनको पता चला हमारे नाम पर चुगली कर देंगे। अरे मैं चुगली करने से पहले ये मेरे नाम पर चुगली कर दी है? बोले ये दाऊ भैया जो बोल रहे हैं
बोले भैया ये दाऊ है ना ऊपर में देखने में तो बड़े गोरो हैं लेकिन अंदर में बड़े काले हैं। भैया मैं तो ऊपर से काला हूँ लेकिन मैया अंदर से गोरो हूँ। मतलब क्या है? बलदेव प्रभु गोरे हैं लेकिन अंदर में काले। मतलब क्या है? कृष्ण बलदेव प्रभु किसको चिंता करते हैं? बोले श्री कन्हैया को। इसलिए आप ब्रज में जाओगे ना देखोगे बलदेव प्रभु को कहीं गोरे नहीं देखोगे। हर जगह में देखोगे बलदेव प्रभु काले हैं। कृष्ण कहते मैं काला अंदर में गोरो। मतलब क्या? राधा रानी गोरी। बोले आत्मा तू राधिका एव। बोले कृष्ण के आत्मा कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए मैं अंदर में काला हूँ मंदिर में गोरा हूँ। इसलिए भगवान हो करके मैया भी डर से डर जाते हैं। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल।